सुस्त भी है, नहीं दिए कुछ किए भी है, बहुत कुछ बाकी भी इलेक्शन हुआ है। हर रोज घर में आदमी पहुंच रहा है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा आप जाइए वहाँ पे, वही आपको पहचानने में रोड करेगा। अच्छा तरीका से जो बना हुआ बनना चाहिए उस तरह से बना नहीं रोड, समस्या बरसात होती है तो आने जाने में पूरा पब्लिक को दिक्कत होता है। समय ये सब तो वादा करके जाते हैं लेकिन जीतने के बाद ना एक काम भी। हमारे नौजवान पीड़ित युवा ठीक, मेरा भाई का सबसे बड़ा तो शौचालय का प्रॉब्लम है, यहाँ हम लोग किसी के घर के पीछे जाना पड़ता है। नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। पूरे राज्य भर में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहों में भी लोग आपको दिखते नजर आएंगे और इसी बात की चर्चा होती है कि क्या कुछ यहां का विकास हो पाया है या फिर यहां आज भी समस्याएं बची हुई हैं। हमारे साथ लोग जुड़े हैं और इस वक्त हम जहां हैं यह अरसंडे पंचायत है और अरसंडे पंचायत का यह ब्लॉक चौक है जहां लोग शाम के वक्त आते हैं और इन्हीं चीज़ों पर अभी चर्चा करते हैं। मगर जानने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ का विकास हो पाया या क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ। चाचा सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल खबर। धन्यवाद। क्या कुछ समस्याओं को आप देख पाते हैं यहाँ? समस्याएं यहाँ पर है, रोड तो बनी हुई है लेकिन दोनों साइड पुल नहीं, ऐसी नाली नहीं बनी है। ये नाली बनने से रोड की भी सुरक्षा होगी और लोगों को आने जाने में सुविधा भी होगी। लगातार कई प्रतिनिधि आए यहाँ, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी है, नहीं दिए कुछ किए भी है, बहुत कुछ बाकी भी है। लगातार यहाँ जो है क्राइम के जो रेट है दिन दहाड़े छिनता ही हुआ है और इन जैसी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? इन समस्याओं को देखिए, ये तो यहाँ की लोकल समस्या ही नहीं है बल्कि पूरे एरिया पूरे मान हर जगह की समस्या, इसमें दो मत नहीं है। क्या लगता है भैया कि आपको कि यहाँ का विकास हो पाया है सही में? हुआ लेकिन उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए था। जैसे कहीं पे भी देखिए कचरा, कहीं मतलब रोड ढंग से है, रोड को पूरा तरह दोनों तरफ से ब्लॉक किया जाता है, कोई नाली भी नहीं बना है, कहीं पे कोई भी कंप्लेंट नहीं। जब इलेक्शन होता है, अभी तो जब से मतलब ये नॉमिनेशन हुआ है हर रोज़ घर में आदमी पहुंच रहा है, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा आप जाइए वहाँ पे, वही आपको पहचानने में इनकार करेगा। अगर कुछ आपका इमरजेंसी प्रॉब्लम है फिर भी आप जाइएगा तो आपको होल्ड पे रखेगा, बोलेगा आ रहे हैं यहाँ, मतलब हजार तरह का वो समस्या बताएगा। और काम तो चोरी छिनताई आर्म्स का मतलब हर तरह का गोली हर जगह मतलब दिन दहाड़े चल रहा है, छिनताई हो रहा है। इसके लिए ये रोड क्लियर रखना चाहिए जो ब्लॉक कर रहा है, सब कुछ भी काम ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ तहाँ कचरा देखिए, कचरा के कचरा जमल है और बहुत तरह का समस्या है। अभी भी कुछ हुआ भी है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए 30% भी नहीं हुआ है। लगातार देखना चाहेंगे सर कि किन समस्याओं को आप यहाँ देख पाते हैं अरसंडे पंचायत यहाँ पे? अभी मेरा भाई जो बोला कि यहाँ का जो समस्या है वो सच्चाई है जो भी बोले, और चचा से भी आप जो सवाल किए ये जो बोले सही है। रोड जो बना हुआ है ये रोड अच्छा तरीका से जो बना हुआ बनना चाहिए उस तरह से बना नहीं रोड, प्लस नाली नहीं है। ये कुमार बाग का रोड सीधा यहाँ पे सामने शंभू के हॉस्पिटल के बगल पे, ना दोनों साइड नाली नहीं है। यहाँ समस्या बरसात होती है तो आने जाने में पूरा पब्लिक को दिक्कत होता है। वोट मांगने समय तो सब प्रत्याशी आते हैं, है ना, बोलते हैं मौका दीजिए, गांव का विकास करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, नौजवान पीड़ित को आगे मौका देंगे, काम देंगे। वोट मांगने समय ये सब तो वादा करके जाते हैं लेकिन जीतने के बाद ना एक काम भी हमको आज तक नहीं मिला। हमको क्या, अगर यहाँ पे किसी से भी पूछिएगा कि कोई काम मिला, अगर कोई एक इंसान भी बोलता है तो आप पूछ लीजिए यहाँ से, सबके यहाँ से किसी से भी आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि हम लोग का सारा यहाँ जितने भी आदमी हैं, है ना, बड़ा आदमी को हमेशा मौका मिला, है ना। ये अब पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है, हैं तो इस बार नौजवान पीड़ित युवा ठीक, मेरा एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, प्लस यहाँ जो क्राइम हो रहा तो जगह जगह पे कैमरा लगना चाहिए ताकि ये क्राइम बंद हो जाए। जैसे मेरी माँ बहन है जिनके सब कोई एक बराबर नहीं, गरीब है अमीर है, अमीर के साथ कुछ हुआ तो वो तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन गरीब के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे, पहचानने से आदमी इनकार कर देता है। लगातार देख सकते हैं चचा कि यहाँ मध्य क्लास से लेके लो क्लास से लेके हायर क्लास तक के लोग रहते हैं,
किन समस्याओं को आप देख पाते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका सहमति पर ही जो है दुनिया संसार जो है चल रहा है। तो कहने का मतलब सबको देखा, सबको परखा, चूहालाल उठा तो डूमरलाल बैठा, तो अब की बारी जो है विकास जो है संभव है। न जात पर न पात पर मोहर लगाएं विकास की बात पर। किन समस्याओं को भैया आप देख पाते हैं? समस्या यहाँ है जैसे कि रोड है, उसके बाद नाली का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा दिक्कत पानी का है। अगर पानी हो जाए, जैसे देखिए हम लोग का जैसे कि आसनडे हम लोग घर पड़ता है, पानी का बहुत दिक्कत। घर में बोरिंग है लेकिन वो भी पानी देती नहीं। आज घर का जैसे कि हम लोग का वाइफ जो भी है वो दूसरा जगह जाके मतलब वहाँ से कपड़ा खींच के लेके आते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा मतलब ही है। और हमारा कहना है जो भी प्रत्याशी यहाँ का जीते वो कम से कम इतना सा ध्यान दे जरूर कि पानी का कम से कम उपाय कर दे। पूर्व में भी आपने भरोसा दिखाया था प्रत्याशियों पर जो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन कर आए थे। इस बार 14 लोग हैं, तो कैसे लोग निर्णय ले पाएंगे कि एक को वोट देना है? इसी में देखिए समझौता है, करना उम्मीद है, लोगों से उम्मीद है, जो लोग चुन के आएंगे काम करेंगे। देखिए तो मन की बात है, देखिए गांव घर का वोट है, इसमें क्लियर मतलब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्लियर किसको मतलब नहीं बोल सकते हैं ना, मतलब जो भी है, लेकिन इतना है कि जो भी जीते ये काम करे उसके तरफ से उसके लिए आशीर्वाद हम लोग तरफ से है। लगातार आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, कभी ऐसी दिक्कतें आई या फिर आपका आराम से जो जाति आवासीय इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो बन गया? नहीं, अभी तक तो बना नहीं है। यहाँ तो बहुत क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, कि क्या कुछ उम्मीदें हैं कि जो लोग चुन के आएंगे काम करेंगे? आज से 5 साल में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा तो शौचालय का प्रॉब्लम है, यहाँ हम लोग किसी के घर के पीछे जाना पड़ता है, नाली का, रोड का बहुत समस्या है। क्या कुछ अगर आप मेरे चैनल से आप अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए जब जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे? शौचालय बनना चाहिए, रोड नाली क्लियर होना चाहिए। या बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे पानी जम जाता है, पेशेंट लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चोरी चमार भी, मेरा दुकान में हाल फिलहाल चोरी हो गया। कैमरा लगना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि लगातार जो है पंचायत चुनाव 10 वर्षों से हो रहे हैं, मगर यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग भी चुन कर आएंगे वह यहाँ के लोगों का दिल जीत पाएंगे या नहीं। लोकल खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन।